गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे भविष्यकाल। ठीक, भविष्यकाल पढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने काल पढ़ा था। काल के तीन भेद बताए थे, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्यकाल के 3 भेद। इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि 3 क्लास देखेंगे, 3 बार सुनेंगे तो कम से कम सुनने से तो याद हो जाए, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो हम लोगों ने वर्तमान काल को और भूतकाल को देखा, पढ़ा, समझा, उपाय बताए उसको समझने का। ठीक, और ज्यादा कंफ्यूजन उसी में होता है। अब तीसरा काल है हमारा भविष्य काल। तीनों कालों में सबसे सरल ये है, ये बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाता है क्योंकि तो भविष्य में होने वाली घटना को ये बताता है। ठीक, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो भविष्य काल देखिए, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, तो कल घर जाएगा ना, कल मतलब भविष्य की बात हो रही है। ठीक, कहते हैं कि जो बीत गया वो भूत है, जो भूतकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान है, और जो आएगा वो भविष्य काल है। तो वह कल घर जाएगा, आने वाले कल की बात हो रही है ना, तो कल हमारा भविष्य है, तो यहाँ पे भविष्य की बात हो रही है कि वह कल घर जाएगा, तो यहाँ पे भविष्य काल है। ठीक, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। ध्यान देना है कि भविष्य काल के केवल 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक, अब देखिए सामान्य भविष्य को हम पढ़ेंगे कि सामान्य भविष्य में क्या होता है। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, मतलब इससे क्रिया के भविष्य में होने की संभावना रहती है कि क्रिया भविष्य में होगी, तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा। ठीक, मैं पढ़ूंगा, तो भविष्य की बात हो रही है कि मतलब मैं भविष्य में पढ़ूंगा। ठीक, मैं पढ़ूंगा, तो मतलब न मैं न पढ़ रहा हूँ, ना मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ूंगा, तो भविष्य की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल है। ठीक, वह जाएगा, तो यहाँ भी जाएगा, तो इससे यह प्रकट होता है क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होने वाली है। ठीक, मतलब वो होने वाली है, सामान्यतः वो होने ही वाली है भविष्य काल में, तो इसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, ये बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाएगा, ये पूछता भी नहीं है और पूछेगा भी तो बिल्कुल सरल तरीके से पहचान में आ जाएगा, क्योंकि देखते ही पहचान में आ जाएगा कि भविष्य के 3 भेद ये हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद भूत। तो हेतु हेतु मद भूत में तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहती है, वो होगा ही नहीं, संभाव में संभावना ही बनी रहेगी, और तो बचा केवल सामान्य ही बचा, एक ही विकल्प सामान्य को लगा देंगे। मैं पढ़ूंगा मतलब मैं पढ़ूंगा, और वह जाएगा। ठीक, तो सामान्य भविष्य है। अब हम पढ़ते हैं संभाव्य भविष्य को। ठीक, अब हम किसे पढ़ेंगे? संभाव्य भविष्य को, जिससे भविष्य में क्रिया के होने की संभावना हो, तो वहां पे क्या रहेगा? संभाव्य भविष्य रहेगा। जैसे संभव है रमेश कल आए। ठीक, संभव है रमेश कल आया, तो इससे क्रिया के होने की संभावना रहती है। संभाव्य भविष्य काल में क्या रहती है? क्रिया के होने की संभावना रहती है। जैसे ये भी हो सकता है, हो सक संभव है मैं कल दिल्ली जाऊं, संभावना है कल मेरी परीक्षा होगी, भविष्य की बातें हो रही है ना, तो वहाँ पे संभावना रहता है। क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सा भविष्य है, यहाँ पे मतलब कि क्लियर नहीं होता है कि कार्य होगा भविष्य में कि नहीं होगा, तो वहां पे संभाव्य भविष्य हम लगाएंगे। ठीक, और अधिकतर यहाँ पे दे भी दिया रहता है, संभव या संभव जैसे शब्द दे दिए रहते हैं संभाव्य भविष्य में, तो इसलिए हम पहचान लेंगे इसको। अब आता है हेतु हेतु मद भविष्य। अब क्या आता है? हेतु हेतु मद भविष्य। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। हेतु हेतु मद भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए, मतलब वह आए तो मैं जाऊं, मतलब वो आएगा तो उसके आने पर मेरा जाना निर्भर है। ठीक, तो
जाऊं और आए, ये दोनों भविष्य की बातें हो रही है, ना वह आ रहा है ना वह आ चुका है, वह अभी आने वाला है और मैं अभी जाने वाला हूँ। इसीलिए यहाँ पे हेतु हेतु मत भविष्य है, और वह कमाए तो खाए, मतलब वह कमाए, अभी कमा नहीं रहा है ना कमा चुका है, वह कमाएगा अगर तो हम खाएंगे, तो उसके कमाने पर हमारा खाना निर्भर है। इसीलिए यहाँ पे हेतु हेतु मत भविष्य है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे होने पर निर्भर करता है। क्लियर है? अब देखिए, अब है तो हम भविष्य काल पढ़ लिए, भविष्य काल समान भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य काल के तीन भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत भविष्य। तो सामान्य भविष्य में यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य काल में होगी, जिसे वह पढ़े, मैं पढ़ूंगा और वह जाएगा। ठीक, इसको बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे कि सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत भविष्य, ये याद रखेंगे कि भविष्य के तीन भेद हैं। तो संभाव्य और हेतु हेतु मत तो बिल्कुल आसानी से पहचान आ जाएंगे। संभाव्य में भविष्य में होने की संभावना रहेगी और हेतु हेतु मत में एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर रहेगी। तो अगर ये दोनों नहीं होगा तो बचेगा हमारा सामान्य भविष्य, चुपचाप इसी पे हम टिक लगा देंगे, मैं पढ़ूंगा सामान्य भविष्य, वह जाएगा सामान्य भविष्य, न यहाँ पे संभावना है और न हेतु हेतु मत है। ठीक, ध्यान देना है कि भविष्य के तीन भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भूत। क्लियर है? तो आप लोगों को भविष्य काल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत सरल है, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक की नहीं जरूरत है और न ज्यादा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक, तीन भेद है इसके, तीनों बिल्कुल सरल हैं, तीनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये नहीं है कि एक दूसरे में मिलने वाले हैं, तीनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि इसमें डाउट होगा या ट्रिक की जरूरत है इसमें नहीं, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, क्या ट्रिक बनेगा इसमें, इतना यह सरल है खुद ही। बस इसको आप लोग समझिएगा और तीन भेद याद रखिएगा, कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा, किसमें क्या होता है ये याद रखिएगा, एक एक उदाहरण सबका याद रख लीजिएगा, जिससे प्रश्न हल करने में आसानी होगी। ठीक, तो काल के तीन भेद हम बताए थे, ये ध्यान देना है कि काल के पूछेगा तो तीन भेद ही हम बताएंगे, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3 भेद, और काल के भी तीन ही भेद होते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक, और काल की परिभाषा भी आप लोगों को याद करना है, एक बार पीजीटी में ये पूछ चुका है, तो काल की परिभाषा भी आप लोग याद करिएगा। और हमारे काल पे ये आखिरी क्लास है, आप लोगों को काल में डाउट था, आप लोगों ने कहा था कि काल पे क्लास बनाइएगा अभी, तो आप सबके कहने पे मैंने काल पे क्लास बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों का प्रश्न गलती ना हो टेस्ट पेपर में या फिर कहीं भी, तो इसीलिए मैंने तुरंत काल पे क्लास बनाया, समझाने का प्रयास भी किया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। और हम अगली क्लास लाएंगे, अब संधि पे हमारी क्लास होगी। ठीक, अब होगी संधि पे, दीपा जी ने कहा है कि उनको संधि में कंफ्यूजन होता है, संधि से प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल अगली क्लास संधि पे लाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में भी आएगा, पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। अगर परिभाषा तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन उदाहरण संधि का, एक संधि के 100 का उदाहरण करवाएंगे, एक संधि के 100, 50 से अधिक रहेगा और कम से कम 80 या 100 उदाहरण रहेगा एक संधि के। ठीक, कम से कम आप लोगों को परिभाषा से ना समझ में आए तो इतना उदाहरण हो जाएगा, इतना आप लोग उदाहरण को नोट करिएगा, उसको सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप सबका उदाहरण से संधि तैयार हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इतना उदाहरण और संधि से प्रश्न गलत भी होता है, आप लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत संधि और सही कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ संधि आ गया हमें, पर पेपर में ऐसी ऐसी संधि पूछ देता है कि लगता है कि कभी सुने ही नहीं है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक उदाहरण पे फोकस करने की जरूरत है, ये नहीं कि दीर्घ संधि पढ़े 5-10 उदाहरण पढ़ लिए हो गया, व्यंजन संधि पढ़े, परिभाषा पढ़े, 10 उदाहरण पढ़े, संधि समाप्त हो गया, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। उदाहरण से तो प्रश्न हमारे गलती होने से बचेंगे, तो हम बहुत अधिक से अधिक उदाहरण देखेंगे और संधि पे भी बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे और उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को संधि बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ठीक, और संधि पे अब हमारी अगली क्लास संधि पर ही होगी, आप लोग बताते रहिएगा, जिस जिस टॉपिक पे आप लोगों को डाउट होगा हम उसी उसी टॉपिक को लाया करेंगे, उसी टॉपिक को पढ़ाया करेंगे, क्योंकि ये क्लास स्पेशल आप ही लोगों के लिए है।
ताकि आप लोगों का प्रश्न गलत ना हो टेस्ट पेपर में, आप लोगों का नंबर बढ़े, अधिकतर हो, आप लोगों की रैंक अच्छी हो, इसीलिए है। तो आप लोग बताते रहिएगा कि किस किस मतलब कि पार्ट पे आप लोगों को क्लास चाहिए, वो क्लास आएगी और आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से तैयार भी हो जाएगा वो। ठीक, तो हमारा दो टॉपिक समास और काल खत्म हो चुका है। मात्र 4-5 दिनों के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक को पढ़ लिया। इसको आप लोग नोट अवश्य करिएगा, सब कुछ करिएगा या ना करिएगा, इसके भेद कर लीजिएगा कितने किसके भेद हैं, और सबके ट्रिक नोट कर लीजिएगा। सबके जब ट्रिक एक जगह नोट करेंगी ना, और कम से कम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस ट्रिक को 5 बार पढ़िएगा, कम से कम उसको 5 बार पढ़िएगा। उसके बाद ना समझ में आए 5 बार उससे सोचिएगा कि क्या है ट्रिक, किसका ट्रिक है, दिमाग में ऐसे सोचते रहिएगा उसको आंख बंद करके। और उसके बाद ना समझ में आए तो हमें जरूर बताइएगा कि हमें अब भी समझ में नहीं आया है, हम फिर पढ़ाएंगे कल और फिर समझाएंगे। ठीक, आप लोग वीडियो को भी अगर एक बार बनाया तो 2 बार देखिएगा। अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की है समझ में आप लोगों को आना चाहिए बिल्कुल। ठीक, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, संधि के साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।